हमने देखा था ना कि जब लाइट ग्लास या पानी से हवा में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाती है। हाँ मम्मा, देखा तो था। तो बताओ कि ग्लास से हवा में आने वाली ये लाइट किधर जाएगी? हाँ, सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन वो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी तो ऐसे जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये लाइट किस तरह से हवा में जाएगी, ये वाली बताओ। सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन वो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी तो ऐसे जाएगी। गुड। अब बताओ कि ये लाइट कैसे जाएगी? सीधी जाती तो ऐसे जाती, हाँ सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन इसे नॉर्मल से दूर जाना है, पर यहाँ पर तो जगह खत्म हो गई है, ये और दूर गई तो शायद एयर में जाएगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही, अगर लाइट को हवा में जाने की जगह ना मिले तो समझ जाओ कि स्पेशल केस आ गया है। अच्छा, और इस स्पेशल केस में फिर क्या होता है? इस केस में रिफ्लेक्शन होता है, मतलब लाइट ग्लास के बाहर जाती ही नहीं बल्कि ग्लास में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इस तरह मिरर के जैसा। देखो अच्छा सच्ची, तो आप कहना चाह रही हो कि स्पेशल केस में प्रिज्म भी मिरर का काम करेगा? हाँ बिल्कुल। अब मैं तुम्हें प्रिज्म, व्हाइट पेपर और लेजर लाइट से ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा तो आ गई मेरी याद, मेरे बिना लाइट की कोई भी बात पूरी हो ही नहीं सकती। ओके फिर दिखाओ। दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इस A4 साइज शीट को यहाँ रखती हूँ, ठीक है? ये रहा अपना प्रिज्म। ओके अब देखो, मैं इस लेजर लाइट को यहाँ इस एंगल पर होल्ड करती हूँ और इसकी लाइट प्रिज्म पर ऐसे ऐसे पड़ रही है। देखो ध्यान से, देखो तुम्हें दो डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ज्यादा ब्राइट और एक कम ब्राइट, है ना? हाँ मम्मा, देख तो रहे हैं। अब याद रखो, ये ज्यादा ब्राइट वाला स्पॉट रिफ्रेक्शन यानी कि प्रिज्म के लाइट को अपने थ्रू पास करने के कारण है, जबकि ये कम ब्राइट वाला स्पॉट मिरर के जैसे रिफ्लेक्शन के कारण है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ट्रांसपेरेंट चीजें कुछ लाइट को अपने थ्रू पास होने देती हैं और कुछ लाइट को मिरर के जैसे रिफ्लेक्ट कर देती हैं। कमाल है इन ट्रांसपेरेंट चीजों का, सब कुछ इनके मूड पर डिपेंड करता है, कभी ये लाइट को रोकती है तो कभी जाने देती है। ओके, पर ये तो नॉर्मल बिहेवियर है ना मम्मा, स्पेशल केस वाला थोड़ी है। अरे स्पेशल केस वाला भी अभी दिखाती हूँ। अब देखो, मैंने लेजर लाइट का एंगल चेंज किया तो रिफ्लेक्शन वाली लाइट भी ब्राइट हो गई। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन की क्वांटिटी बढ़ रही है। हाँ। अब देखो, मैं इस लेजर लाइट को थोड़ा और टिल्ट करती हूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि स्पेशल केस आ गया है और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो ध्यान से, ये मैंने टिल्ट किया और ये देखो,
ये रिफ्लेक्शन वाले डॉट तो बहुत ब्राइट हो गए और ये रिफ्रैक्शन वाले डॉट तो बिल्कुल गायब भी हो गई। करेक्ट, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस केस में प्रिज्म सारी की सारी लाइट को अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा। अरे वाह, कमाल है इस स्पेशल एंगल का। ये स्पेशल एंगल प्रिज्म को अपने मन की नहीं करने दे रहा, सारी लाइट लौटानी पड़ रही है उसे। ओके मम्मा, ये तो समझ गई, पर प्रिज्म में लाइट हवा से ग्लास में जा रही है, ग्लास से हवा में नहीं, तो फिर ये कैसे हो रहा है? वेरी नाइस क्वेश्चन, अभी बताती हूँ तुम्हें। मैडम क्यूरियस, मैडम क्यूरियस, इट्स गुड। हाँ कमाल की बात है ना दोस्तों, ये प्रिज्म मिरर की तरह बिहेव कर तो रहा है, लेकिन बच्ची की बात भी सही है। उसकी मम्मा के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये तब होता है जब लाइट ग्लास से हवा में जाती है। तो चलिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म में ये जानते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या एक्शन हो रहा है जो ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है।